हेलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं इसमें नीडल जो चेंज होता है, ये जो मोड होता है नीडल चेंज वाला, इसको कैसे ऑटोमेटिक मैनुअल कैसे करते हैं। जैसे कि कोई सैंपल वम्पल बनाते हो आप, उस समय आप नहीं चाहो कि अपने आप नीडल चेंज हो जाए, तो उस समय आपको कैसे क्या क्या साइन इधर दिखाता है वो चीज़ इसमें देखते हैं आज कैसे होता है। अभी जैसे मैंने इधर मोड लिखा हुआ है, पर आपके में नहीं लिखा होगा, तो आपको देखना पड़ेगा ये दो नीडल वाला जो चीज़ है, और इधर एक एरो दिया हुआ है, वो बटन हम एक बार प्रेस करते हैं तो इसमें कुछ चेंज हो गया। वो ग्रीन था, ग्रीन से येल्लो हो गया, येल्लो से फिर और एक बार दबाएंगे तो रेड हो जाएगा, फिर हम तीसरे बार दबाएंगे तो ग्रीन हो गया। ग्रीन मतलब मशीन मोड है। अभी हमारा ये डिजाइन नहीं है, इसके लिए ये लॉक अनलॉक हुआ है, तो अगर हम डिजाइन डालेंगे, डिजाइन लॉक कर देंगे, ये डिजाइन आ गया, ये ग्रीन हो गया, ऐसे तीनों ग्रीन हो जाएगा तब चालू होता है मशीन, रनिंग मोड में आता है, नहीं तो फिर रनिंग मोड में नहीं आता है। तो जैसे आपको ये मोड चेंज करना है, जैसे अभी मैं ए लिखा है और पीला है, पीला के साथ में ए है, तो आप समझ लीजिए कि ये अपने आप नीडल चेंज होगा, पर दूसरा नीडल में जाके मशीन रुक जाएगा, मतलब अपने से दूसरा नीडल चेंज होके नहीं चल पाएगा। उसके बाद में आप चालू करोगे, डंडा खींच के चालू करोगे तो मशीन चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद में तीसरा नीडल में जाके फिर रुक जाएगा, कि आपको देखना ज़रूरी है। उधर अगर आप देख देख के मशीन चलाने वाले हो, अपने से देख देख के नीडल चेंज करने वाले हो, तो ये मोड रखिए और एक बार दबाएंगे, ये मैनुअल फुल्ली मैनुअल है, ये आप अपने से नीडल चेंज करोगे, दो नंबर नीडल करोगे तो दो नंबर में चलेगा, तीन नंबर करोगे तो तीन नंबर में चलेगा, जितना आप नंबर दबाओगे इधर कीपैड में से, इसमें से दो नंबर दबाओगे तो दो नंबर दबाओगे तो दो नंबर में जाके चलेगा, तीन नंबर में दबाओगे तो तीन नंबर जाके चलेगा, एक नंबर में चलाना होगा तो एक नंबर में जाके चलेगा। उसके बाद में दूसरा बार एक नंबर ख़त्म हो जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर आपको वही नीडल में रुकेगा, इसमें दूसरे नीडल में जाएगा नहीं। और मशीन वापस चालू करने के लिए इसको जैसे ऑटोमेटिक चालू होगा है, इसमें आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जो नीडल सेटिंग किए हैं उसके हिसाब से आपका मशीन चलेगा।